नमस्कार आप सबों को, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आप देखिए मेरे पास बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का प्रैक्टिस सेट जो आज चलेगा मैथ का, बहुत सरल सरल रहेगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप भी देख सकते हैं कि एक फल विक्रेता एक रुपया के 10 की दर से नींबू बेचने पर 40% लाभ कमाता है, वह एक रुपये के कितने नींबू खरीदता है, यानी एक रुपया में कितना नींबू खरीदेगा वो पूछता है। क्वेश्चन तो लग रहा है कि हम लोग अगर बेसिक से बनाएंगे बहुत लंबा, लेकिन हम लोग चला नहीं, बस इतना में मार देंगे बस। देखिए एक रुपया की 10 की दर से नींबू बेचने पर कितना होता है भाई, 40% का हमें क्या होता है लाभ। जब 10 नींबू को हम बेचते हैं एक रुपया में, 10 की दर से जब हम नींबू बेचते हैं तो 40% लाभ होता है। तो यही 10 नींबू, जब यही 10 नींबू का जो है एक रुपया में कितने नींबू खरीदता है, तो जब खरीदने की बात आए एक रुपया में कितना खरीदेगा, तो बस इसको उठाएं और बैठा के कोई दिक्कत नहीं है। इस 10 नींबू है, इस 10 नींबू को उठाएंगे, जब खरीदने की बात आ रहा है कि एक रुपया में कितना नींबू खरीदेगा, तो आप एक काम करें, 40% का मतलब क्या हुआ लाभ का मतलब हुआ 140 बटे 100। लाभ का मतलब हुआ कि हम 40 जोड़ेंगे 100 में, 140 बटे 100 होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसमें से आप देख लीजिए 140 बटे 100 से गुणा कर दीजिए, आपका एक रुपया में कितना नींबू खरीद जाएगा पता चल जाएगा। काटिए भाई, कट गया, अब 10-10 काट दीजिए। इसका मतलब एक रुपया में 14 नींबू वो खरीदता है। कुछ किए देख लीजिए क्या बस आंसर आ गया। चलिए हम दूसरे सवाल पूछ लेते हैं। अगले सवाल जो हमारे पास है बहुत दमदार है, आप देखेंगे कि दूसरा सवाल जो है आपके बीच, दूसरा सवाल है कि चर पर पावर 61 प्लस चर पर पावर 62 और चर पर पावर 63 और प्लस चर पर पावर 64 है, तो कहता है कि निम्नलिखित में से किस अभाज्य संख्या से विभक्त होगा। आप ऑप्शन भी देख रहे होंगे, चलिए भाई तो सोल्यूशन करते हैं। अगर ऐसा सवाल करता है तो सबसे पहले टैक्टिक लगाना क्या है, जो शुरू में है बस उसको बाहर कर लीजिए, अपने आप हल्का हो जाएगा। यदि हम इसको बाहर करते हैं तो चर पर पावर 61 को बाहर करेंगे तो हमें क्या बच जाएगा, इसे जगह क्या बच जाएगा, चर पर पावर 0 का मतलब 1, फिर इसका मतलब है चर पर पावर यहाँ बचेगा 1, आए 62 में 61 बाहर है तो चर पर पावर 1 का मतलब 4, यहाँ चर पर पावर 2 बचेगा, चर पर पावर 2 का मतलब 16 और यहाँ बचेगा 3, इसका मतलब 64। कोई बात नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है, टोटल तो हम लोग जानते हैं भाई 64 और 16 कितना हो जाएगा 60 10 70 70 10 80 80 5 85। अब ऑप्शन देखिए कि कौन ऑप्शन इसको काट सकता है, इसको छोड़िए इसको भाले बोलिए, इसको देखिए कि ऑप्शन पता चलेगा 17 से काट सकता है 17 बजे 85 कट गया पूरी तरह से, ये इसका मतलब अभाज्य संख्या 5 नंबर से मेरा कौन हो जाएगा 17 मान लिया।